सो हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ गाइस, तो मैं आ गया हूँ। तो चलो गाइस, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत कमाल की और धमाल और सुपर डुपर वीडियोस होने वाली है, और ये वीडियो रिवेंज ऑफ लव की आगे की स्टोरी। हाँ गाइस, तो चलो गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। आपको पार्ट वन पार्ट टू अच्छे से देखना होगा, तब आप इस सीरीज़ को अच्छे से इन्जॉय कर पाओगे, वरना आपको ना स्टोरी समझ आएगी, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाली। सबसे अच्छा गो एंड वॉच माय प्लेलिस्ट। तो चलो गाइस, अब सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते। उससे पहले थैंक यू हर चीज़ के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी, एंड आई होप आपको पसंद आएगी ये वाली स्टोरी। तो चलो गाइस, पार्ट थ्री आपको पसंद आने वाली है। तो चलो गाइस, हमने रोका था कि सुमित्सुको रहते हैं, वो भाग जाती है। उसके पापा कहते हैं कि तुम करोगे शादी। तो सुमेरे बहुत ज़्यादा ही मतलब बोलते, नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, आप समझिए अंकल। तभी अंकल कहते हैं कि तुम ही करना होगा। तब गाइस कुछ ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि तभी गाइस वहाँ पे गाइस उसके पीछे से गाइस मिचिको, हाँ गाइस, वो मतलब भागते ही दिखाती है। वो रोड पे भाग रही रहती है और वो रो रही रहती है, रोते रोते भागती है, बोलती है मैंने जो किया अच्छे के लिए किया, और मैं चाहती हूँ मित्सो और सुमेरे साथ मिले, क्योंकि वही पाको है और मित्सो ही परमैन है, मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ ये दोनों साथ मिले। तभी गाइस होता क्या है कि जो सुमेरे रहती है वो बोलते, नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे करूँ। तभी गाइस होता क्या है कि मित्सो बोल उसके पापा कहते हैं तुम्हें करना होगा उससे शादी, अगर तुम शादी नहीं करोगे तब ये बहुत गलत होगा, तुम्हें करना होगा। तभी गाइस मूवमेंट एकदम बदल जाता है, क्योंकि गाइस वहीं पर मतलब परमैन आ रहा होता है और लेने के लिए मिची को, जैसे शादी जल्दी हो जाए। परमैन उसी रूम में आ रहा रहता है, और जब वो रूम में आ रहा रहता है कि वो देखता और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि बस उसके पापा है और वहाँ पे एक लड़की है। वो लड़की के मतलब एक तरीके से उसका जो चेहरा है ना वो छुपा हुआ था, कुछ भी करके छुपाया गया था। तभी वो मित्सो कहता है कि पापा आप मिचिको के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मित्सो को तो अभी नहीं पता है ना मिचिको भाग चुकी है। तभी गाइस उसके पापा कहते हैं तुम जाओ, मैं तुम्हारी दुल्हन को लेके आ रहा हूँ, तुम जाओ मित्सो अपने, तुम जाओ शादी के लिए नीचे जाओ, लोग तुम मिलोगे उससे। तभी मित्सो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी लाएगा मिचिको, आ जाना। तभी गाइस मतलब क्योंकि मित्सो के अभी माइंड में, आपको लगता है मित्सो इतना गलत क्यों कर रहा है, क्योंकि गाइस मित्सो के माइंड में, क्योंकि वो मित्सो के माइंड में बस सुमेरे से बदला लेना है अभी, उसे मिचिको से शादी करके। और तभी गाइस उसके पापा बोलते आखिर मैंने अभी तुम्हें बचा लिया, ऐसे करके तुम शादी कर लो तो भी तुम बच जाओगे, तो भी तुम बच जाओगे, मैं बता रहा हूँ तो भी तुम बच जाओगे। तभी गाइस होता क्या है कि जो अब मित्सो मतलब शादी के लिए सुमेरे तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था, क्या बोलते गाइस, काफ़ी ज़्यादा क्या बोलूँ, हाँ काफ़ी ज़्यादा गाइस बहुत ज़्यादा वो हो चुका था, मूवमेंट बदल चुका था। अब जब ये मूवमेंट बदल जाता है और तो मित्सो सुमेरे तैयार हो जाती है गाइस, हाँ गाइस सुमेरे तैयार हो जाती है, सुमेरे पापा के साथ नीचे जाती है, मुँह छुपाया हुआ था। तो गाइस उसके बाद जो सुमेरे को लेके नीचे चल जाते हैं उसके पापा, और वो घूंघट एक तरीके से पहनी हुई थी, कुछ तो छुपाई हुई थी अपने चेहरा, आधा चेहरा दिख रहा था आधा चेहरा नहीं दिख रहा था। और जो मित्सो रहता है वो बोलता है ओहो ओहो मिचिको, अरे मिचिको 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 अरे यार। लेकिन गाइस मित्सो जान मुझका कर रहा था, क्योंकि उसे पता है सुमेरे इसी जगह है, और ऑलवेज कैमरामैन जो रहता है ना वो मित्सो का ही सीन ले रहा था बस, जो भी कैमरामैन शादी के लिए आए हुए थे वो मित्सो का ही सीन ले रहा था, क्योंकि ऑलवेज यही तो बात है ना मित्सो का सीन लेगा ना। और तो वो थोड़ा दिखा रहा था, जैसे बाद में अगर कोई भी सुमेरे चीज़ को देखे इस वाले कैसेट, इस वाले शादी को, तो इसको पता चले मित्सो कितना ही खुश था, कितना बड़ा बदलेबाज हो गया हमारा मित्सो, और नया डायलॉग हो गया बदलेबाज वाह भाई। तभी गाइस मूवमेंट बन चुका था, तब मित्सो देखता है कि सुमेरे, और गाइस जब वो सुमेरे का हाथ पकड़ने ही जाता है, और तभी गाइस मित्सो और सुमेरे को एक बहुत जोर सा करंट लगता है, और वो ऐसा वैसा करंट नहीं था जब, क्योंकि मित्सो तो सुमेरे मिचिको समझ से
वो समझ से वो बताए गाइस वो क्या समझ रहा था, वो वही समझ रहा था कि वो मिची को है। अब वो मिची को हाथ पकड़ने गया और गाइस वो मिची को हाथ पकड़ा जरूर, लेकिन वो उसको करंट लगा क्योंकि ऑलवेज बात है ना वो सुमेरे थी, और को उस मिच्छू को ऐसा फील हुआ ये सुमेरे सुमेरे जैसा उसे फील हुआ। और तभी गाइस मिच्छू ने वहाँ पे छोड़ दिया, शादी स्टार्ट हो गई है गाइस। हाँ गाइस शादी स्टार्ट हो चुकी है, मित्सो बहुत ज़्यादा मूवमेंट पर है, मित्सो को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये सुन के, मित्सो फाइनली सुमेरे के साथ शादी कर रहा है। मतलब गाइस मित्सो को तो मिचिको है ठीक है ना। तभी गाइस शादी हो जाती है, कम्प्लीटली शादी हो जाती है। शादी होने के बाद गाइस जो सुमेरे जो इससे मुँह छुपाई हुई थी अपना, वो गलती से गाइस हाँ गाइस वो गलती से निकल जाता है। मतलब शादी क्या किस्मत थी यार, मतलब शादी होने के बाद ऐसा हरकत हुआ, तो ये हरकत होने के बाद सुमेरे का निकल जाता, तो सारे लोग देखते हैं और वो मित्सो सुमेरे तुम इधर, तुम धोखेबाज धोखे लड़की किस्म की, तुमने मिच्छू को किधर है। तभी गाइस सुमेरे बोलते हैं देखो मित्सो ये मैंने नहीं किया है। तभी मित्सो के पापा आते हैं बोलते हैं हाँ मैंने किया ये, वो बोलते हैं कि हाँ मैंने किया है ये, मैंने ही सुमेरे को यहाँ पे लाया क्योंकि मिच्छू को भाग गई है, मिच्छू को मित्सो को छोड़ के भाग चुकी है। मिच्छू को खुद चाहती थी कि वो सुमेरे और मित्सो एक मिले, जो मैं चाहता था। और तभी गाइस होता क्या है कि मित्सो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आता है। वो बोलता है मुझे अभी कि अभी इसके सारे डिवोर्स चाहिए, अभी शादी हुई अभी चाहिए। तभी गाइस जो सुमेरे रहती है वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई शौक होने का कोई लेना देना नहीं है। तभी मिच्छो बोलता है कि आई हेट सुमेरे, मुझे इससे नफरत हो चुकी है क्योंकि नफरत है मुझे उससे, मुझे क्यों सुमेरे मिली, मेरे ज़िंदगी में क्यों है सुमेरे, हर जगह जाता हूँ सुमेरे दिख जाती है, अभी भी शादी उसी से हो गई, मैं छोड़ूंगा नहीं सुमेरे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। तभी मित्सो के पापा आते और गाइस ऑलवेज हमारी सुमेरे ने भी मतलब बात माना और मित्सो तो रोते रोते अपनी, क्योंकि मित्सो के पापा जो है वो तो बोल ही चुके थे कि नहीं जान तुम्हें मेरे लिए खातिर जाना ही पड़ेगा, मैंने तुम लोग के लिए एक नया घर ढूंढा है वहाँ पे तुम दोनों रहोगे। मित्सो रोते रोते पापा की बात मानते और चला जाता है गाड़ी की तरफ बाहर, और जो उसकी मम्मी की जो सुमेरे की जो मम्मी रहती हैं उनको भी बहुत बड़ा धोखा लगता है, और सबसे बड़ा धोखा तो मित्सो के मम्मी को लगता है क्योंकि मित्सो के मम्मी तो नहीं चाहती थी सुमेरे कभी भी मेरी घर की कभी भी मतलब मित्सो की वाइफ बने मेरी बेटी की, और मतलब नहीं चाहती थी गाइस। और मित्सो भी मतलब सुमेरे भी रहती है वो भी अंकल का बात मान के बाहर चली जाती है गाड़ी में बैठने के लिए क्योंकि उन लोग का नए घर पर रहने वाले थे। और गाइस वो दोनों चले जाते हैं, मित्सो बैठता है और वो भी सुमेरे भी बैठती है। तभी गाइस वो अब जो ड्राइवर रहता है वो गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है। हाँ गाइस तभी गाइस मित्सो जो रहता है वो गाड़ी में बैठा रहता है और मित्सो बोलता है कि सुमेरे मतलब सॉरी गाइस वो बस सोच अपने मन में आ रहा था, वो अपने मन में गाइस सोचता है हाँ गाइस वो अपने मन में गाइस सोचता है हाँ गाइस वो अपने मन में सोचता है कि अरे यार वो तो जो मैंने क्या सोचा था क्या से क्या हो गया, मैं मतलब सुमेरी ही आई मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं आ सकता था जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया सुमेरे। और तभी गाइस सुमेरे गाड़ी में बैठ के वो भी सोचती है ये क्या हो गया, किस्मत हम दोनों को बार बार क्यों मिला रहा है, हम ही दोनों बार बार क्यों मिल जा रहे हैं, हमारी लव स्टोरी क्या है, हमारी कहानी क्या है, मैं उससे प्यार करती थी लेकिन बार बार हमारे साथ इस तरह क्यों हो रहा है। और तभी गाइस होता क्या है कि जो मित्सो रहता है वो उसकी बीच की गाड़ी ख़राब हो जाती है, ड्राइवर बोलता है गाड़ी ख़राब हो गई यार सर क्या करें। तभी मित्सो बोलता है गाड़ी क्या ख़राब हो गई, इतनी अच्छी गाड़ी तो ली थी मेरे पापा ने, गाड़ी कैसे ख़राब हो गई।
तभी उसके ड्राइवर बोलता है मुझे क्या पता, तभी सुमेरे बोलते हैं रुक जाओ मैं ठीक करके आती हूँ, तभी मिर्चो बोलता है अरे ये ठीक करेगी गाड़ी, ये तो कभी ठीक है, मैकेनिकल का काम है, जाओ जाओ मैकेनिकल को बुलाओ ड्राइवर, अरे ये फेंकती रहेगी बस। तभी सुमेरे बोलते क्या तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी नहीं ठीक कर पाऊंगी, मैं तो बोलता देखो लड़ना मत। तभी मिसो वो बोलते हाँ मैं लड़ूंगी, तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी नहीं ठीक कर सकती, ऐसे बोल रहे हो। मैं तो बोलता है देख हो गया ज़्यादा नहीं सुमेरे, ज़्यादा नहीं थोड़ा कम करो। तो सुमेरे जो रहती है वो बाहर निकल जाती है गाइस। तभी मिसो बोलता है वो बेचारी को। तभी गाइस होता क्या है कि सुमेरे जो रहती है वो गाड़ी ठीक तुरंत एक दो दो ही मिनट में कर देती है, और बहुत सीधा गाइस मित्रों के पास गाड़ी में बैठ जाती है। तभी ड्राइवर बोलता है गाड़ी ठीक हो गई, सुमेरे ने ठीक कर दिया गाड़ी को। तभी मित्रों बोलता है मित्रों का गाइस जो देखने लायक मुंह था ना वो बोलता है हाँ हो गया ना, ये क्या है वो गाड़ी ठीक कर दी तो कर दी, मुझे क्या था। तभी सुमेरे हंसने लगती है, गाइस थोड़ा सा कॉमेडी मोमेंट वहाँ पे होता है। तभी गाइस मित्र को कुछ बातें वापस याद आता है, वही बातें याद आते हैं कि वो जो धोखा दी थी सुमेरे ने उसे, जिसने पार्ट वन देखा था उसे पता है, तो वही चीज़ याद आता है। मित्र वापस से बोलता है तुम मेरे करीब मत आना, मैं तुमसे धोखा करता हूँ, तुमसे नफरत करता हूँ मैं, तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, अगर करीब आई ना तो देख लेना। तभी गाइस सुमेरे बोलती है पहले गाड़ी चला लो, गाड़ी चलाना आता भी है कि नहीं आता, ड्राइवर तो सो गया है देखो बैठी बैठे। तभी गाइस होता क्या है कि ड्राइवर को मिच्छू बोलता है अरे उठो चलो। तभी गाइस वो दोनों जब जा रहे थे गाइस गाड़ी में, तभी गाइस मतलब दोनों को कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। हाँ गाइस दोनों को कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी, और तभी गाइस होता क्या है कि मिच्छू जो रहता है सुमेरे कुछ बोलती है मिच्छू तुम्हें मैं याद है कुछ साल पहले मैंने तुम्हें कुछ बोला था जिससे मैंने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था। तभी मिच्छू बोलता है कि गाड़ी रोको। तभी ड्राइवर गाड़ी रोकता है और गाइस सुमेरे को वो बीच रास्ते में छोड़ के बोलता है चलो चलो मेरे घर। तभी गाइस सुमेरे को बीच रास्ते में छोड़ कर वहाँ से निकल जाता है, और गाइस वो बीच रास्ते में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। गाइस बीच रास्ते में मतलब गाइस वहीं से गाइस कुछ लोग मतलब गाइस क्या बोलते हैं मित्सो गाड़ी वहाँ गाइस। तभी गाइस कुछ गुंडे सब आते हैं वहाँ पे, बोलते हैं ए वो किधर है, तुम्हारी तो नई शादी हुई ना, पूरे जगह न्यूज़पेपर फैल गई है वो भी मित्सो सुबह के साथ, और तुम इधर क्या कर रही हो। तभी बहुत लोग बोलते हैं तुम सबको ना। तभी मिच्छू वो लोग बोलते हैं कि इसको किडनैप करके लेके चलो, और तभी गाइस वो सुमेरे को गाइस वो लोग लेके चले जाते हैं। और जो मिच्छू रहता है वो गाड़ी में रहता है, उससे थोड़ा बहुत वो लगता है उसने कुछ गलत किया, और तभी गाइस वो मिच्छू बोलता है कि गाड़ी रोको। और मिच्छू बोलता है कि मेरे सामने यहाँ पे एक पार्किंग में गाइस एक बाइक थी किसी और की, मित्सो उसमें बैठ के चला जाता है क्योंकि गाइस गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया था, तो गाइस मित्सो जो रहता है वो चला जाता है उसका लेने के लिए सुमेरे को। और सुमेरे को जब लेने के लिए चला जाता है और गाइस सुमेरे को बहुत ढूंढता है लेकिन सुमेरे मिल नहीं रहती, और गाइस मित्सो की गलती थी कि मित्सो को इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब गाइस होता है क्या कि मित्सो बहुत ज़्यादा ढूंढता है, और तभी गाइस बहुत मित्सो सुमेरे और गाइस मित्सो देखते हैं कि सुमेरे को बहुत गुंडे सब उठा के लेके जा रहे होते, लेकिन कभी गाइस मित्सो वहाँ पे आता और लड़ता स्टार्ट करता, बोलता है ए मिस्टर छोड़ो। तभी वो गुंडे सब बोलता अच्छा तेरी शादी हुई ना इसके साथ, तभी मित्सो बोलता है मेरी शादी नहीं है उसके साथ, धोखेबाज है वो, उसको लेके जाओ। तभी मित्सो बोलता है, तभी गुंडे सब बोलता है ठीक है हम लेके जा रहे, मित्सो बोलता है नहीं मत लेके जाओ दे दो। तभी गाइस गुंडे सब बोलते ज़्यादा मत कर वरना बहुत ज़्यादा फोड़ दूंगा तुझे। तभी मित्सो बोलता है कि नहीं फोड़ूंगा तो मैं। तभी गाइस फाइट होना स्टार्ट कर देता है
और जो एक गुंडे के पास गोली रहता है गाइज, वो गोली सीधा गाइज गोली चलाता है, और गाइज वो गोली किस में आगे लगती है वो भी बहुत ज़्यादा मोमेंट पे था। और गाइज आगे आपको देखने के लिए देखना पड़ेगा सब कैनोडून और आगे का पार्ट, क्योंकि आगे बहुत कुछ कमाल होने वाली है। आपको बताना पड़ेगा गोली किस पर लगी है, ये आपको कमेंट पर अभी बताया। अगर कमेंट नहीं किया तो देख लेना गाइज यार, इस तरह मत करो यार, कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट नहीं करोगे तो यार तभी आएगा यार, कमेंट करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर न्यू तभी आएगा, वरना ओके गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अस्सलाम वालेकुम।